भैया हम लोगों से 1.5 लाख रुपए लिए थे जिसकी रिसीटिंग है हमारे पास जी जी 24 तारीख को 1.5 लाख रुपए लिए थे और उसके बाद से उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन अभी तक कोई ये रिपोर्ट नहीं की है क्योंकि वो लोग 4 लाख रुपए और मांग रहे हैं। इसके अलावा 25,000 रुपए हमने डेड बॉडी की शक्ल दिखाने के लिए लिया था और 1700 रुपए मेरी दीदी की बेटी से उन्होंने लिया था पीपीई किट पहना के ऊपर उनको ऊपर ले जाने के लिए, उनके वार्ड में दूर से आया था दीदी की बेटी को मोहिनी को। अच्छा, 1700 रुपए उनसे लिए थे, 25,000 रुपए हमसे लिए थे उनका चेहरा दिखाने के लिए डेड बॉडी का, और अभी 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, अभी हम लोगों ने दिया नहीं है 4 लाख। हम लोग की बस यही डिमांड है भैया कि हम लोगों को सीसीटीवी का फुटेज दिखा दे, क्या डर है डॉक्टर साहब को, क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो हमको, बस दिखा दे कि वो 6 दिन तक दीदी कैसी थी, किस हाल में थी, इम्प्रूवमेंट था कि नहीं, उनको दवाइयाँ सुइयाँ सब दी जा रही थी कि नहीं, ऑक्सीजन बायपैक उनको लगता था कि नहीं, ये सब हमें जानकारी दे दें, हमें वो दवाइयों का ब्यौरा दे दें, इलाज का कि क्या क्या इंजेक्शन और क्या क्या लगा, उनको कोई टेस्ट कराया होगा, उसकी रिपोर्ट होगी उनके पास, कुछ तो दें भैया। उन्होंने अभी सिर्फ हमसे वर्बली कहा था 30 तारीख की सुबह जब डेड बॉडी लेने गए थे कि अभी आप डेड बॉडी ले जाइए और बाकी आपको जो रिपोर्ट बाकी चीजें हैं वो जब आप बैलेंस पैसे 4 लाख रुपए जमा करेंगी तब मिलेगा, और तब से हम उनसे यही पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए तो कि किस बात के 4 लाख रुपए, अभी आपने 1.5 लाख का हिसाब दिया नहीं है, 4 लाख रुपए आप मांग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सबसे महंगी वेंटिलेटर पे उनको रखा गया था, वो वीआईपी लोगों को ही देते हैं हम लोग, तो वो सबसे महंगा वेंटिलेटर था, विदेशी कंपनी का सबसे महंगा बाईपैक लगा था उन्हें, उनको सारे महंगे जो इंजेक्शन थे वो सारे लगाए गए थे उनको बचाने के लिए, वो उसी का 4 लाख बता रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी हमें कोई बिल नहीं दिया है कि किस बात के 4 लाख हो सकते। अच्छा, ये 25,000 रुपए जब वो चेहरा दिखाने के लिए मांगे तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं किया क्या? रात में जब हम उनका वेट कर रहे थे 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तो हम उस समय उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब अगर मेरी दीदी अभी जिंदा है तो प्लीज एक बार हमें दिखा दीजिए, हम एक बार उनकी आवाज सुन लें, उनको दिखा दें कि हम खड़े हैं नीचे उनके सामने, तो बहुत मुश्किल से पहले तो वो नाना करते रहे, फिर उन्होंने उस समय कहा था कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन उस समय हम इतने परेशान थे कि हमने कहा हम कुछ भी पे करेंगे, हमें ऊपर जाने दीजिए। जब उन्होंने पीपी किट पहना के हमें ऊपर भेजा था और उसका पेमेंट हमने तब नहीं किया था 2:30 बजे, जब हम सुबह 4:30 बजे बॉडी लेने आए 4:45 बजे, तब उन्होंने कहा कि आपको वो 25,000 रुपए पे करने हैं, तो हमने कहा कि फिर हम डेड बॉडी की शक्ल भी देखेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसकी डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, तो बोले कि ठीक है पहले आप 25,000 लेके आइए। तब हमने सुबह 5 बजे अपने दीदी के बेटे को भेज के ATM से 25,000 रुपए विड्रॉ कराए और उनको दिए थे। शव का चेहरा दिखाने को 25,000, पीपीई किट के 1700 और इलाज के 4 लाख रुपए। कोरोना की आपदा है, अवसर है, और इन सबके बीच मजलूम खड़े हैं छन्नू लाल मिश्रा। वही छन्नू लाल मिश्रा जो पद्म विभूषण हैं, पद्म भूषण हैं, यश भारती से सम्मानित हैं, संगीत शिरोमणि हैं और एक जमाने में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे हैं। अभी जो आवाज़ सुनाई है वो आवाज़ है पंडित छन्नू लाल मिश्रा की बिटिया नम्रता की, वही जो बस इतना मांग रही है कि मेरी बहन जिस अस्पताल में भर्ती हुई, इलाज कराई और मर गई, प्लीज उस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को दिला दिया जाए। कोरोना से संक्रमित छन्नू लाल मिश्रा की बेटी संगीता कुछ दिनों पहले वाराणसी के मेडविन अस्पताल में भर्ती हुई थी। 7 दिनों के इलाज के बाद संगीता का निधन हो गया था। छन्नू लाल मिश्रा के परिवार ने यह आरोप लगाया था कि बिटिया का निधन चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुआ। आरोप की शुरुआत उस हंगामे से हुई थी जो संगीता के देहांत के रोज अस्पताल में हुआ था। एक पद्म विभूषण विजेता की बेटी के इलाज में लापरवाही की खबरों के साथ कई आरोप भी सामने आए। आरोप लगा कि पहले दिन 1.5 लाख रुपया जमा कराया गया था, इलाज शुरू हुआ लेकिन कुछ दिनों में हालत बिगड़ती गई और एक दिन सांस छूट गई। 7 रोज के इलाज के वक्त संगीता मिश्रा के साथ क्या हुआ, परिवार के लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज मांगी जा रही है, इंसाफ मांगा जा रहा है। इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, डीएम के, सीएम के और पीएम के भी। लेकिन आरोप कई और भी हैं। नम्रता का आरोप है कि उनकी बहन के देहांत के बाद पीपीई किट में शव को बंद करने से पहले अस्पताल के कर्मियों से जब ये कहा गया कि बहन का चेहरा एक बार दिखा दिया जाए तो इसके लिए भी 25,000 रुपए मांगे गए। आरोप है कि पीपीई किट के लिए 1700 रुपया मांगा गया और इलाज के लिए 4 लाख रुपए का बिल और थमा दिया गया जिसके पैसे फिलहाल नहीं दिए गए। इन सभी आरोपों के बाद डीएम के आदेश पर एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति ने 20 रोज तक जांच की और अब कह दिया है अस्पताल निर्दोष है। जांच समिति ने अपनी पड़ताल के बाद कह दिया है अस्पताल एकदम पाक साफ है,
एकदम गंगा सा निर्मल, लेकिन सवाल यह है कि एक पद्म विभूषण विजेता के परिवार के लोग क्या झूठ बोल रहे हैं। जिस काशी का प्रतिनिधि बनकर छन्नूलाल सारी दुनिया में शिव का विवाह, राम की कथा और कृष्ण की लीला सुनाते रहे, उसी काशी में आज वो बेबस होकर कह रहे हैं, जांच समिति ने सिर्फ अस्पताल की बात सुनी, हमें कुछ नहीं मिला, पीएम और सीएम से मिलकर कहना होगा कि हमें न्याय दिया जाए। छन्नूलाल मिश्रा जांच से असंतुष्ट हैं, लेकिन इस उम्मीद में हैं कि अगर सीएम मिल जाए, अगर पीएम से भेंट हो जाए तो शायद इंसाफ मिल जाए। दो रोज पहले तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहते रहे आंखें और गले को भर कर कि रात को जब उठकर सोचता हूं तो लगता है बिटिया आखिर कैसे चली गई। लेकिन सबके बीच जांच में अस्पताल निर्दोष मिला है, लेकिन जांच पर परिवार के कई सवाल भी हैं। इन सवालों के बीच कुछ प्रश्न काशी की ओर से भी हैं कि क्या अपनी बहन को खो देने वाली एक लड़की झूठ बोल रही है कि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर नहीं दिखाई जा रही। कितना दुखी हूँ बता नहीं सकता हूँ। मैं रात रात को उठ के बैठ के सोचता हूँ बेटी के बारे में कि क्या हुआ उसको। हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। करीब 20 दिन हो रहा है रिपोर्ट के इंतज़ार में हम बैठे हैं, मगर अभी तक नहीं कुछ मिला। और इसके अलावा हम रात रात को हम याद आता है बिटिया का कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु हुई, हम लोग से मिल भी नहीं सके, उससे बात भी नहीं कर सके, क्या कारण है, क्या दुख है, उसको कुछ मिलने में भी नहीं दिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमको ये सीसीटीवी फुटेज का दिखा दें लोग। नम्रता मिश्रा का आरोप है कि अस्पताल का सीसीटीवी उस वक्त चल रहा था जिस वक्त संगीता अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अस्पताल कह रहा है सीसीटीवी कैमरा तो बीते 2 महीने से खराब था। नम्रता कहती हैं कि सीसीटीवी में उन्हें उनकी बहन का चेहरा दिखाया गया था, उनके पास वीडियो मौजूद है। सवाल ये है कि पद्म पुरस्कारों से, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्रियों से सम्मानित छन्नूलाल मिश्रा ने अस्पताल पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। सवाल ये भी है कि जांच में अस्पताल निर्दोष साबित हुआ तो उसके ग्राउंड्स क्या थे। सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल सच में निर्दोष पाया गया है। सवाल ये भी कि आखिर देश के 2 सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित एक शख्स को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए ही इतना भटकना पड़ रहा हो, वो शख्स जो पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रस्तावक रहे हों, वो शख्स जिन्हें मुख्यमंत्रियों के आवास में ससम्मान बुलाया जाता रहा हो, अगर उस शख्स को अपनी बिटिया के इंसाफ के लिए इस कदर भटकना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए सूबे की, देश की और कानून व्यवस्था की हालत क्या है।